सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की बड़ी खबर। कैरम में हारने के बाद दो नाबालिग लड़कों ने मिलकर किया 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ यौन दुराचार। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने किया दोनों नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार, भेजा बाल सुधार गृह। हर नगर में अमूमन सभी बच्चे कैरम खेलते हैं, मगर उस बच्चे को क्या मालूम था कि कैरम खेलना उसके लिए इतना भारी पड़ जाएगा। यह घटना नौगांव नगर के वार्ड नंबर 19 में मंगल भवन के पास मोहल्ले के लड़के कैमरा खेलते हैं, तभी फरियादी 11 वर्षीय लड़का उन लड़कों से कैरम खेलने में हार जाता है। जो लड़का ये कैरम जीतते हैं वे उस लड़के को धमकाते हैं कि तुम्हें हमारे साथ गलत काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पिताजी को बता दूंगा। और दोनों फरियादी दोपहर 12 बजे मंगल भवन के पीछे ले जाकर उससे गलत काम करते हैं और उसका मीडिया मोबाइल में वीडियो भी बना लेते हैं। फिर दो दिन बाद उस वीडियो की धमकी देकर उनमें से एक लड़का दोबारा उसके साथ गलत काम करता है और वीडियो मोहल्ले में लोगों को दे देता है। तब मोहल्ले के लोगों ने फरियादी के पिताजी को वीडियो भेजकर जानकारी दी। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर दोनों 14 वर्षीय नाबालिग किशोरों को अभिरक्षा में लेकर बाल न्यायालय में पेश किया। नौगांव से उत्तम राजपूत की खास रिपोर्ट। थाना नौगांव में जो है एक नाबालिग बच्चा अपने माता पिता के साथ रिपोर्ट किया कि उसके साथ गलत काम किया है। उस रिपोर्ट की तस्दीक की गई और तस्दीक पर जिन बच्चों के नाम फरियादी पक्ष के द्वारा दिया गया था वो भी नाबालिग बच्चे हैं और इस बात की पुष्टि हुई कि उनके द्वारा जो है उसके साथ गलत कार्य किया है और उस गलत कार्य की जो रिकॉर्डिंग भी उन्होंने अपने मोबाइल में कर ली थी और वह रिकॉर्डिंग जो है उन लोगों ने जो है अन्य लोगों को भी उपलब्ध करा दी थी, जो कि एक बहुत ही घृणित कार्य है जिस पर से अपराध जो है 377 का दर्ज कर लिया गया, विचार लिया गया है। उक्त तो दोनों विधि विरुद्ध बालकों को भी गिरफ्तार करके जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, जहां किशोर बोर्ड के द्वारा बाल न्यायालय जो होती है उनको जो है बाल जेल में दाखिल कराया गया।